हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ अर्चना वाचा और आज हम रेसिपी का वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ मैं। आज हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने परचेस किया था और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे और उसका क्वालिटी भी अच्छा लगा। इसके लिए सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने ये जो कंटेनर मंगाया है, 6 कंटेनर आए हैं, पूरा सेट आया था और ये फूड ग्रेडेड प्लास्टिक है। बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है, मैंने चेक करके देखा है, नरम सा प्लास्टिक है, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ में इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। जो मैंने कहाँ से मंगाया है मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। ये जो है वो 6 सेट का पीस मतलब कंटेनर्स आए हैं, रेक्टेंगल शेप में है। जो इसका साइज़ है बहुत ही अच्छा आया है। हाफ के जी तक का वेजिटेबल्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो। फ्रिज में वैसे भी सभी चीज़ें ऐसे ना स्कैटर होके रहती है, इस तरीके से अगर आप उसे स्टोर करोगे तो ऑर्गेनाइज भी लगेगा और हमें ये चीज़ें दिखती है मेन तो और वेजिटेबल्स भी एकदम फ्रेश रहेंगी इसमें, क्योंकि नॉर्मली हम जिपलॉक बैग में इसे स्टोर करते हैं या फिर थैली में करते हैं और ये वन टाइम हमारा खर्चा होगा, बार बार जिपलॉक बैग परचेस करने का जरूरत नहीं है और दिखने में अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा। इसके साथ एक जाली भी दिया हुआ है जिससे नीचे ये खराब ना हो कंटेनर, और दूसरी बात के एयर सर्कुलेट होती रहेगी, फ्रेश रहेंगे वेजिटेबल्स। इस तरीके से आप सभी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को स्टोर करके रख सकते हो। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एक नेट जो है वो एक्स्ट्रा आया था, शायद एक्स्ट्रा दिया होगा उन लोगों ने। अब मेन है कि बारिश के टाइम पे कोरिएंडर बहुत खराब होता है, तो कोथमीर को हम अच्छे से वॉश करके, साफ करके, सूखा के या फिर अच्छे से क्लीन करके उसे इस तरीके से, थोड़ा सा टिश्यू पेपर भी मैंने अंदर ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खराब होती है, वैसे तो इस कंटेनर में नहीं होंगी क्योंकि एयर टाइट कंटेनर है, अच्छे से स्टोर हो जाएगा सभी। और इस तरीके से आप सभी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को या फिर ड्राई फ्रूट्स को भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो मैंने आपके साथ इसे शेयर किया है। ये मैंने परचेस किया है मीशो से, प्राइस थोड़ा रिजनेबल लगा मुझे, 278 to 300 रुपीज तक जाएगा शायद, डिलीवरी चार्ज लेते हैं वो, और 6 to 7 डेज में इसका डिलीवरी मुझे मिल गया था। मैं बहुत ही हैप्पी थी ये प्रोडक्ट देख के। तो आई होप आप सभी को ये जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल लगेगा, ये वीडियो यूजफुल लगेगा। इसे मैंने फ्रिज में भी स्टोर करके बताया है, जो मेरा वेजिटेबल्स का बॉक्स है उसके अंदर। अगर आपके यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स जो है फ्रिज का वो बड़ा नहीं है तो आप कांच पे भी इसे स्टोर करके रख सकते हो। नॉर्मली किचन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, तो मैंने आगे एक क्लिप एक बताई है, इस तरीके से मैंने इसे स्टोर किया है और जगह बची है। मैंने इस फ्रिज का भी डेमो एंड अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने शेयर किया था, डेमो दिया है फ्रिज मैंने, मेरा फ्रिज जो है वो हायर का है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। सो आई होप आप सभी को ये कन्फर्म यूजफुल लगेगा वीडियो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मेरा गुजराती चैनल भी है रेसिपीज बाय एवी गुजराती, आप मुझे वहां पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।